दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तहसील निघासन के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में, जिन तथ्यों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तहसील निघासन भारत के उत्तर प्रदेश की एक तहसील है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर जिले की दूसरी सबसे बड़ी तहसील मानी जाती है। तहसील निघासन दुधवा नेशनल पार्क की वजह से भी प्रसिद्ध है, जो उत्तर प्रदेश का मात्र एक नेशनल पार्क है। तहसील निघासन भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिसके कारण इस तहसील को नेपाल द्वार के नाम से भी जाना जाता है। निघासन, जो देश की राजधानी से लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी लखनऊ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, तहसील निघासन में तीन महाविद्यालय स्थित हैं। पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तराई किसान महाविद्यालय, दूसरा गायत्री महाविद्यालय, तीसरा गौतम बुद्ध डिग्री कॉलेज। ये निघासन के आस पड़ोस में ही स्थित हैं। और दोस्तों, तहसील निघासन में गन्ने की फैक्ट्री भी स्थित है, जो आपको सरजू सहकारी चीनी मिल के नाम से जानी जाती है और बेलराया में आपको मिल जाएगी। और एक प्लाईवुड फैक्ट्री भी है, जो आपको निघासन में ही मिल जाएगी। और दोस्तों, निघासन की जनसंख्या 5,50,193 है, जो 2023 के जनगणना के अनुसार है। तहसील निघासन के लोग ज़्यादातर कृषि पर निर्भर हैं। तहसील निघासन में कुल 119 गाँव हैं। तहसील निघासन की में एक ब्लॉक भी स्थित है। और तहसील निघासन में स्थित कुछ गांव जैसे प्रीतमपुरवा, शिवपुरी मोहल्ला, लुधोरी, झंडी राज, सिंगाही राज, ढकेरवा, रकेटी आदि शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और आपको मिलेंगे